खाने के लिए आपको क्या देता था, किस तरह का खाना खाती है? नमाज पढ़वाता था, ये सब कराना, उसकी वीडियो बनवा करके अपने उस पर सेंड करवाता था मोबाइल पे। जब मैंने मोबाइल में देखा तब मुझे क्लियर हुआ कि ये तो मेरी वीडियो बनवाता है जानबूझ के, उस पर सबको दिखाना और बुरी तरीके से मारना। जब खाने के लिए मैं बोलती थी उसके घर में वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं, रखता ही नहीं था जानबूझ के, आते थे तो नीचे से खत्म करना। और फिर गाय का, भैंस का, इन सबका गोश्त मेरे को जबरदस्ती खिलाता था। जब मैं खाने के लिए मांगती थी मुंह पकड़ के जबरदस्ती हाथ पैर पकड़ के खिलाना, ना ही खाना तो मारना पीटना गला घोटना, मतलब बहुत इस कदर वो वैश्यपन था, दरिंदगी थी कि मैं आज शब्दों में भी ना उनको नहीं आपको बता सकती। उसको ये था ना, तू गाय माता करती है तो तू गाय का भी खाएगी। आप गाय को जब इतना मानती थी तो आप उसी गाय का जब जबरन मीट आपके मुंह में डाला गया, उस वक्त स्थिति कैसी थी? क्योंकि विरोध आपने किया होगा। इसने खाया ही नहीं, विरोध मैंने खाया ही नहीं, जबरदस्ती जिसे कहते मेरे को उल्टियां हो रही है, आंख नाक से मेरे पानी आ रहा है, आंसू आ रहे हैं, मेरी हालत खराब हुई पड़ी है, मेरे को सांस नहीं आ रहा और मैं रो रही हूँ, चीख रही हूँ, चिल्ला रही हूँ, कोई हेल्प के लिए नहीं आ रहा। ये नहीं कि ठीक है बस अब मत करो, कोई नहीं होता था, दरवाजे बंद होते थे, ऐसे मेरे को अकेले करके टॉर्चर किया जाता था। उसकी जो पत्नी थी मुस्लिम जिससे बच्चे हुए थे, उसने कभी मदद करी नहीं थी आपकी? नहीं, कोई मदद किसी मेरी किसी ने भी नहीं करी। इवन वो तो उल्टा आकर के ठोकरे मार के जाती थी कि ठीक है देख तू इसी कर्म की है, तुम हिंदुओं की लड़की ने इसी कर्म की हो, तो इसके साथ शामिल है अच्छे से, सभी शामिल है इसके साथ। जब एक आदमी शादी करके दूसरी शादी कर रहा है, किसी को अपने घर लेकर के आ रहा है दिल्ली जैसी जगह में, कहने के लिए वो पढ़ा लिखा परिवार है, वकील है, उसके भाई भी वकील है, एक घर में मैडम ये पॉसिबल है कि दो बीवी एक साथ रहे? ये गंदगी एक तरीके से रहे। कितनी बार तो उसकी बीवी मेरे को तैयार कर करके नीचे भेजती थी कि जाओ मैडम नीचे चली जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ और ज्यादा मार पिटाई होगी, कलेश होगा। ये गंदगी में क्या क्या बताऊं आपको, नीचे जाओ एंजॉय के लिए बुला रहा, तैयार होकर भेजो कर। रोज रात मेरी ऐसी निकलती थी पिटते हुए, कलेश होते हुए, अपने साथ सेक्सुअली असॉल्ट कराते हुए, नेचुरल और अननेचुरल तरीके से कराते हुए। किसी और के पास तो आपको नहीं भेजा?